हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल A to Z। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपूर्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर फर्स्ट नंबर पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम अपने घरों की सप्लाई के यूज करने के लिए करते हैं। तीन फेज ट्रांसफार्मर का नॉर्मली यूज हम लोग बड़ी बड़ी कारखानों में प्रयोग करते हैं, जहाँ पर तीन फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसमें एक सिंगल वाइंडिंग होती है, इसे ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसमें डबल वाइंडिंग की जाती है, इसमें धारा बोल्ट जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, इसमें डबल वाइंडिंग होती है। तीन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इसमें तीन वाइंडिंग की जाती हैं, या ट्रिपल्स वाइंडिंग भी बोलते हैं। 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसमें 6 वाइंडिंग होती हैं, 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी वाइंडिंग। बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। कोर प्रकार ट्रांसफार्मर 2 कोर वाला 3 कोर वाला। सेल ट्रांसफार्मर सेल के आकार का होता है। बैरी प्रकार ट्रांसफार्मर, ये गियर प्रकार का होता है। सर्विस के आधार पर ट्रांसफार्मर के विभिन्न प्रकार होते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग हम घरों की बिजली यूज करने के लिए लेते हैं। शक्ति ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग हम बड़े बड़े पावर हाउसों में प्रयोग करते हैं। मापन के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार करेंट ट्रांसफार्मर, इसे CT भी बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग बिजली घरों में किया जाता है, इसे PT भी बोलते हैं। शीतलक के आधार पर ट्राई प्रकार ट्रांसफार्मर या सूखा ट्रांसफार्मर होता है। आयल प्रकार ट्रांसफार्मर, ये ऑयल भरा हुआ ट्रांसफार्मर होता है। आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को बढ़ाना या फिर घटाना। उच्चायक ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें वोल्टेज को बढ़ाकर दिया जाता है। अपचायक ट्रांसफार्मर, इसमें वोल्टेज को घटाकर दिया जाता है। इंसुलेशन ट्रांसफार्मर, यह भी ट्रांसफार्मर का एक प्रकार होता है। फ्रेंड, डिटेल में समझने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।